सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, एक जबरदस्त योग मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि शरीर की कमजोरी में, यानी शरीर कृश हो गया हो, पतला हो गया हो, खाया पिया लगता ना हो, गाल पिचक गए हो और आंखें अंदर धस गई हो, चेहरे की जो रंगत है वो फीकी पड़ गई हो, तो ऐसी ऐसे सभी रोगों के लिए बहुत ही उत्तम कार्य करता है। और जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती है, वो इस दवाई को एक बार जरूर इस्तेमाल कर लें। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके गुण गाएंगे, आप याद करेंगे कि हाँ, हमें वैद्य जी ने कोई चीज़ बताई थी। तो अकेली अकेली औषधि मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। इसके लिए आपको चाहिए केसर 2 तोड़े, जो सारी काष्ठ औषधियाँ मैंने इसमें मिक्स कर रखी हैं, भांग शुद्ध की हुई 2 तोड़े शुद्ध करके हल्का सा देसी घी में भून के डालनी है, भांग ब्रीक करके 2 तोड़े, और जायफल 2 तोड़े, अकरकरा ईरानी 2 तोड़े और लौंग टोपी वाला 2 तोड़े। तो ये सारी काष्ठ औषधियों को अलग से ब्रीक कर लें, जैसे हमने ये ब्रीक कर रखा है। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे भी ये योग शेयर कर दें, क्योंकि बना रहे थे हम। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सिंगरफ को शुद्ध करना है, यानी सिंगरफ का कुस्ता नहीं इसमें डालना है, शुद्ध सिंगरफ डालनी है। आप अच्छी क्वालिटी की सिंगरफ ले लें और उसको एक एक चम्मच नींबू का रस डालते जाएं, ऐसे। ये नींबू का रस है हमारे पास, तो 3 दिन, लगभग 3 से 4 घंटे रोजाना 3 दिन आप इसको अच्छे तरीके से खरल करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से 3-4 दिन खरल हो जाए, तो इसको हल्के से गर्म पानी के साथ इसका जो नींबू की खार वगैरह है उसको निकाल दें। फिर आप इसको 3 दिन भेड़ के दूध में खरल करें। तो ऐसे खरल करने के बाद ये सिंगरफ शुद्ध हो जाता है। वैसे हमारे ग्रंथ रसतंत्र सार में और भी एक दो विधियां लिखी हुई हैं सिंगरफ की, तो आप किसी विधि से इसको शुद्ध कर लें। हम तो इसको नींबू के रस में और भेड़ के दूध में शुद्ध करते हैं, तो इस विधि से आप इसको शुद्ध करेंगे तो आपका सिंगरफ जो है वो निर्दोष हो जाएगा। तो सिंगरफ लेना है, फिर आपने 2 तोड़े शुद्ध किया हुआ। तो अब आपने क्या करना है, आपने जैसे आपके पास 10 ग्राम बढ़िया वाली अफीम होनी चाहिए, खालिस, बिल्कुल खालिस अफीम होनी चाहिए। तो दूध आपने लेना है, यानी 16 गुना दूध लेना है। उससे अगर 10 ग्राम अफीम है तो 160 ग्राम आपने दूध लेना है। तो किसी छोटी कढ़ाई में डाल के गैस की आग को बिल्कुल मंद करके, तो इसका जो है दूध का बिल्कुल मावा बना लें आप, बिल्कुल मावा बन जाए, जब खोआ टाइप बन जाए, तो इसको नीचे उतार के इसमें काष्ठ औषधियाँ डाल दें। और फिर आप जो है मिश्री की चाशनी बना लें, यानी लगभग हमारे पास 160 ग्राम मिश्री होगी, यानी अफीम से 16 गुना, तो मिश्री की चाशनी बना लें। उसके बाद फिर आप इसको जो दूध का हमने मावा बनाया है, तो उसको ठंडा होने पे पहले काष्ठ औषधियाँ डाल दें, फिर आप उसको चाशनी डाल के अच्छे तरीके से हिला लें, मिक्स कर लें। फिर आप इसकी मात्रा जो है आधा आधा ग्राम की मात्रा है, तो आप आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम को इसको दूध के साथ ही लेना होता है। और केसर की वजह से ये शरीर के रोम रोम पे कार्य करता है, तो दिल, दिमाग और आपका जो है आंखों की रोशनी बढ़ाना, दिमाग को तेज करना, चेहरे की रंगत निखारना, और मर्दाना कमजोरी में तो ये अच्छा कार्य करता ही करता है, क्योंकि उसके लिए तो स्पेशल ही ये बनता है। इसके अलावा शरीर कृश हो जाना, कमजोर हो जाना, तो वीकनेस रहना, चेहरा फीका पड़ जाना, गाल अंदर की तरफ धंस जाना, आंखें अंदर की तरफ धंस जाना, तो ऐसी सभी समस्याओं में ये रामबाण काम करता है। और जिनको नजला जुकाम बना रहता हो, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इससे शांत नींद आती है और टाइमिंग इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टाइमिंग के लिए स्पेशली योग है। इसके अलावा रिएक्शन की प्रॉब्लम हो उसमें भी अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि अकरकरा ईरानी हो गया और इसके साथ हमारा केसर हो गया, लौंग हो गया, तो ये सभी आपके ब्लड को साफ करेंगे और आपकी जो है शरीर का रंगत निखारेंगे, चेहरे की रंगत निखारेंगे, आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपकी जो क्रिशता है वो दूर होगी। कई बार टीबी वगैरह होने की वजह से लगातार एंटी टीबी के लिए जो दवाइयाँ एलोपैथी की चलती हैं, उनकी वजह से बहुत मरीज कमजोर हो जाता है, तो क्रिश हो जाता है, काया उसकी बिल्कुल क्रिश हो जाती है। तो ऐसे रोगियों के लिए ये एक रामबाण औषधि है, तो उनके लिए भी अच्छा कार्य करता है।
और जिनको मर्दाना कमजोरी हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, तो उनके लिए भी अच्छा कार्य करता है, बशर्ते कि अच्छे तरीके से बना हो। और आपका जो है ये बहुत ही उत्तम कार्य करेगा। तो इसको बनाने की विधि मैंने सारी बता दी है आपको। औषधियाँ, घटक द्रव्य जो है, लौंग 2 तोड़े, जायफल 2 तोड़े, भांग शुद्ध की हुई 2 तोड़े, सिंगरफ शुद्ध किया हुआ 2 तोड़े, अकरकरा ईरानी 2 तोड़े, तो ये सारी औषधियों का, केसर 2 तोड़े, तो इनका काष्ठ औषधियों का अलग से चूर्ण बनाना है, और सिंगरफ को शुद्ध करके डालना है, यानी जो हमने घटक द्रव्य पहले पीस रखे हैं इसी में डाल दें जब सिंगरफ शुद्ध हो जाए। लेकिन पहले इसको नींबू के रस में खरल करें 2-3 दिन, फिर इसको भेड़ के दूध में खरल करें 2-3 दिन, तो आपका सिंगरफ जो है पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद ही डालना है। तो उसके बाद ये काष्ठ औषधियाँ एक जगह इकट्ठी कर लें, और 1 तोड़ा अफीम लेके 16 गुना दूध में उसका मावा बना लें। ठीक है, जब उसका मावा बन जाए अच्छे तरीके से, तो काष्ठ औषधियाँ डाल दें। तो काष्ठ औषधियाँ डालने के बाद फिर आप 160 ग्राम मिश्री की जो है उसको चास बना लें, चाशनी बना लें, तो इसमें मिक्स कर दें। तो मिक्स करने के बाद आपका ये जो है अहिफेन पाक आपका तैयार हो गया। तो इसको तैयार करके आपने आधा आधा ग्राम की मात्रा लेनी है। तो पौष्टिक आहार ज़्यादा से ज़्यादा लें, दूध घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। शरीर में कहीं पे कोई ब्लॉकेज है उसको खोल देगा, और नस नस में नया जोश जगाएगा। टाइमिंग का सरताज है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और इसको इस्तेमाल करते समय कब्ज वगैरह ना रहे। अगर कब्ज रहती है तो रात को 1 चम्मच छिलका इसबगोल भी ले सकते हैं, या बादाम रोगन ले सकते हैं, 1 से 2 चम्मच कुनकुने दूध में डाल के, या देसी घी ले सकते हैं। तो कब्ज जो है, क्योंकि ओपियम की वजह से थोड़ा बहुत ये कब्ज कारक जरूर होता है, लेकिन कब्ज का आप विशेष ध्यान रखें, कब्ज ना बढ़ने दें, पौष्टिक आहार लें, तो पानी वगैरह ज़्यादा पिएं, ताकि ये शरीर को अच्छे तरीके से काम करे। और एक्टिविटी जरूर रखें, कोई सैर एक्सरसाइज जरूर करें। अब कुछ भाई सिर्फ दवाइयों के सहारे ही बोल देते हैं कि दवाइयों के सहारे ही ठीक हो, तो दवाइयों के सहारे ठीक होने के साथ साथ आप अपने एक्टिविटी भी बढ़ाएं। अगर आपकी एक्टिविटी नहीं रहेगी तो कोई भी दवाई कैसे कार्य करेगी? तो आप एक जगह बैठे रहेंगे और खाना खाकर तुरंत ही सो जाएंगे, और पौष्टिक आहार वगैरह नहीं लेंगे, सारा दिन चाय तंबाकू लेते रहेंगे, तो फिर ऐसी दवाइयाँ बिल्कुल कार्य नहीं करती हैं। फिर इन दवाइयों पे आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दवाई लेते हैं तो अपना रहन सहन चेंज करना, अपना खान पीन चेंज करना ज़रूरी है। तो इन बातों का ध्यान रखें। दवाई जो वैद्य मित्र हैं वो बना सकते हैं, जिनको ज़रूरत हो हमसे मंगवाने की वो हमसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो आप कई भाई सस्ती महंगी बोलने लग जाते हैं, तो इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ कि आप अपने नेड़े आसपास के किसी वैद्य से बनवा लें। तो क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि केसर है, अब आप मान के चलो केसर आपको अगर अच्छी क्वालिटी का आप केसर लेंगे तो 220-230 रुपये पर ग्राम आपको मिलेगा। तो 20 ग्राम केसर 4,000-4,500 के आसपास आपको मिलेगा, और ओपीएम का क्या रेट है ये भी सभी को पता है, और मिलती भी बड़ी मुश्किल से है। तो औषधियाँ फिर मेहनत भी लगती है, तो औषधियों का प्राइस तो देखो होता ही है, लेकिन प्राइस दे के भी आपको चीज़ असली मिले, चीज़ बढ़िया मिले, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी खासियत है। हम जो बात बोलते हैं उसमें से 1 की हो सकती है हमारी बात, 19 कभी नहीं होगी। अगर हमने अहिफेन पाक बोला है आपको कि ये चीज़ें डलेंगी, तो यही चीज़ें डलेंगी, दूसरी चीज़ हम नहीं डालेंगे। जैसे केसर है, केसर भी हम बढ़िया क्वालिटी का डालेंगे, और ओपियम भी अगर अच्छी नहीं होगी, उसका रिजल्ट परिणाम नहीं होगा, तो वो हम नहीं डालेंगे। फिर उसके लिए हम इंतजार कर लें, चाहे तो अपने पेशेंट को बोल दें कि भाई 10 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे आपकी दवाई तैयार होने में, तो टाइम लग जाता है। लेकिन दवाइयाँ हम अपने मन मुताबिक रिजल्ट तभी मिलते हैं जब उसमें चीज़ बढ़िया डलेगी। अगर चीज़ बढ़िया नहीं डलेगी तो रिजल्ट फिर बहुत कम हो जाते हैं, गुणहीन हो जाती है वो चीज़। तो काष्ठ औषधियाँ भी, जैसे किसी के पास कोई साल 2 साल पुराना पड़ा है, जायफल अकरकरा पड़ा है, तो उसको मत डालें। तो इसके लिए आप ताज़ा हो सके तो जितना ताज़ा पंसारी से बोल के, जितना ताज़ा हो, साफ हो चीज़ें, उतनी अच्छे उसके परिणाम मिलेंगे। तो ये था आज का जोग अहिफेन पाक। जो भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें और कोशिश करें कि अपने आसपास के किसी बैच से बनवा लें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो दो तीन पेशेंटों की जो पेमेंट आई थी तो उन्हीं के लिए हम बना के देंगे, तो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे आप ऑर्डर दे देते हैं तो समय लग जाता है 2-4 दिन तैयार करने में, तो जो भाई जल्दबाजी करते हैं वो कहीं और से बनवा लें। उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, तो जिन भाइयों ने थोड़ा संयम रखना है, असली चीज़ बनवानी है, सही चीज़ लेनी है, वो संपर्क कर सकते हैं। और रेट इसका हम बता देंगे, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, क्योंकि इसका आउटपुट निकालेंगे कि ये सारी दवाई से कितना बढ़ जाएगा, कितने पेशेंटों को बढ़ जाएगा। फिर हमारी मेहनत लागत मूल्य सारा निकाल के आपको हम इसका जायज़ जो रेट है वो रेट बता देंगे आपको, तो आप संपर्क कर सकते हैं।